सर शफीक मोहम्मद यूसुफ के सामने अपनी बात मनवा पाएंगे? देखिए, हम लोगों ने समझ लिया है कि जो मुर्गा बांध देता है ना वो शाम में कढ़ाई में पकड़ा होता है, तो इसलिए हम लोगों ने खामोश रहना सीख लिया। अगर जो बोल रहे होते हैं हमारे जैसे, आप जैसे लोग बोल रहे होते हैं तो फिर वो हमेशा गालियां ही खा रहे होते हैं। नई नई गालियां खा रहे होते हैं। तो आपको सिलेक्शन कमेटी से लिख लिया है, कोई और बंदा आना चाहिए था? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ मुझे कोई और बंदे से वो ताल्लुक नहीं है। मुझे ये है कि आपने बलूचिस्तान और केपी को आपने निगलेक्ट किया, उस खत्ते के लोगों को आना चाहिए। क्योंकि देखिए, केपी के प्लेयर को केपी का कोच ही देख सकता है, ये केपी का बंदा ही बता सकता है ना। ये बलूचिस्तान का जैसे प्लेयर है शुएब खान है, बिस्मिल्ला खान है, इन लोगों को आगे लाना चाहिए और इनसे सर्विसेज से फायदा। अच्छा, न्यूजीलैंड सीरीज है, फिर आयरलैंड, फिर इंग्लैंड, फिर T20 वर्ल्ड कप है, ये जो खिलाड़ी हैं इनको T20 का तजुर्बा है सिलेक्शन का? क्योंकि ना असद शफीक T20 फॉर्मेट में है, ना थे मोहम्मद यूसुफ थे, सिर्फ रजाक भाई थे। नहीं, देखा है मोहम्मद यूसुफ भी T20 खेले हैं और लेकिन उस तरीके से नहीं। हाँ, लेकिन वजह शौहरत T20 नहीं थी, बायकॉट कर रहे थे। हाँ, वजह शौहरत T20 नहीं थी, लेकिन अब्दुल रजाक एक ऐसा नाम है, बाबर ऐसा नाम है जो तभी जैसे T20 खेले हैं, मोहम्मद यूसुफ एक बड़ा नाम है। इससे मैटर नहीं करता कि आपको T20 का एक्सपीरियंस है या नहीं है, क्योंकि जो क्रिकेट की समझ मुझे यकीन तौर पर मोहम्मद यूसुफ से ज्यादा किसको हो सकती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है एसएस शफीक नंबर 6 T20 नहीं, वही क्रिकेट तो वही है ना, बैट और बॉल और गेम तो वही है ना, तो इसमें जरूरत नहीं है कि अपना T20 हो या व्हाइट बॉल हो या रेड बॉल हो, सिर्फ ये क्रिकेट की समझ होनी चाहिए। और वो माशाल्लाह सिलेक्शन कमेटी में है। मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है जो आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जो नेगलेक्ट किया वो गलत किया, बाकी सिलेक्शन कमेटी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में सही है। अच्छा, सोशल मीडिया पर लेकिन एक चीज, एक नाम और मिसिंग है यहाँ पे, कामरान अकमल। हाँ, कामरान अकमल एक ऐसा नाम है कि जो कामरान अकमल अभी पीछे भी कंसल्टेंट थे, कामरान अकमल को भी होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ वो जूनियर में, अब मैं कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जब आप आमिर को लेकर आ रहे हैं तो सलमान भट्ट से भी इस्तेफादा करना चाहिए और सलमान भट्ट की सर्विसेज को भी लेना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया पर अभी भी कहा जा रहा है सिलेक्शन कमेटी को देखते हुए मुंह बंद करेगा। नहीं, कौन बोल रहा था? अब्दुल रजाक तो इतना ज्यादा वोकल है नहीं, वो तो रजाक भी टीवी पे थे, यूसुफ भाई भी टीवी पे थे, असद शफीक टीवी में नहीं थे। नहीं, वो तो सही है, लेकिन देखें प्लेयर तो है ना, ये अच्छे प्लेयर तो, और नया रिजीम एक आया है, नई सोच आई है, देखें क्या बेहतरी से आती है।